गुड मॉर्निंग गाइस, सो मेरा पूजा हो गया एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं रेडी हूँ. एक्चुअली आज एक हाउस वार्मिंग भी रेडी है, तो आई डोंट नो वेयर शी. तो हमारी सोसाइटी में एक हाउस वार्मिंग पार्टी है आज, तो उसके लिए हमें जाना है. तो मैं चीकू, बी केयरफुल, उठ जाओ. हियर इज चीकू, शी इज़ ऑल्सो रेडी. सो हाउस वार्मिंग पार्टी है, उसके लिए हमें जाना है. तो वी आर रेडी, पूजा हो गया मेरा एंड विल गो. आउच बेबी, व्हाट्स दिस? सो आई मीन ब्रेकफास्ट वही है हमारा, तो वी आर गोइंग एंड डुकू को मैं लेके नहीं जाऊँगी. आई टेक चीकू अलॉन्ग. सो या आई गो फॉर द हाउस वार्मिंग एंड कम बैक एंड देन आई मीट यू गाइस. मैं वापस आ गई वहाँ से. एक्चुअली मैं पूजा में भी गई थी एंड पूजा में जाने के बाद मुझे वहाँ से ये मिला, तो आई शो यू व्हाट इट इज़. एक्चुअली साउथ में ऐसे देते हैं जब भी आप कोई गृह प्रवेश में जाओ तो सबसे पहले वो हल्दी और कुमकुम देते हैं जो कि आपको लगाना है. उसके बाद मुझे इसमें मिला है ये फ्लावर है, दो बनाना है, पान के पत्ते और एक छोटा सा सुपारी है यहाँ, ये मिला है मुझे. और उसके बाद ये लोग ब्लाउज पीस देते हैं, तो मुझे ये ब्लाउज पीस ही मिला हुआ है. और उसके बाद समथिंग इंसाइड बनाया है. ओके, सो ये एक ट्रे है जो बेसिकली ऐसे पूजा में यूज़ कर सकते हैं, इसमें फ्लावर्स रख सकते हैं. तो दिस काइंड ऑफ ट्रे इट इज़, विच इज़ सो गुड. इसमें आप फूल वगैरह रख सकते हो मंदिर में पूजा करने के वक्त, तो दिस इज़ रियली नाइस. डुबी को मैं सुबह के गई थी तो अभी भी सो रहा है एंड ब्रेकफास्ट में मैंने इडली वड़ा ये सब खाया एंड फिर लंच के लिए भी बुलाया है उन लोगों ने, तो लंच के लिए भी जाना है. देर इज़ डुगू, ही इज़ स्लीपिंग, तो उसे मैं घर पे ही छोड़ के गई थी. रंजन देख रहे थे, उसका कॉल भी था, तो और चीकू को साथ लेके गई थी. फिर से देखती हूँ अगर डुगू उठ जाएगा तो मैं ट्राई करूँगी कि उसे घर पे ही रख के जाऊँ मैं जब वो सो रहा हो, ताकि रंजन देख ले. हम लोग ऑल्टरनेट करके जा सकते हैं, पहले या तो रंजन चले जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी चीकू को लेके. मैं डुगू को सुला दूँगी. और वहाँ का पूजा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था. वहाँ पूजा में जाने के बाद एक पूजा वाला वाइब्स आ रहा था, अच्छा फील हो रहा था. तो मैं थोड़ी देर बैठ गई वहाँ पूजा में, उसके बाद मैं वापस आ गई वहाँ से. तो ये सब कुछ है, इसे मैं रख दूँगी ये बनाना और इसे हटा दूँगी क्योंकि ये तो ख़राब हो जाएगा नहीं तो फिर. और बाकी इसको मैं मंदिर में ही अभी रख दूँगी. फिर नाइस यहाँ हर एक पूजा में या भी प्रवेश में रखी जाए तो ऐसा कुछ जरूरी होता है मेरे. ये मेरे सोसाइटी में ही था, हम लोग एक्चुअली डिफरेंट ब्लॉक्स में रहते हैं, तो वो दूसरे ब्लॉक के थे तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था. ऊपर पार्टी हॉल है, वहाँ जाके मैंने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद दूसरे ब्लॉक में जाके मुझे मिलना था उनसे, तो मैं जाके मिल के आ गई. वैसे वहाँ टुकू उठने की कोशिश कर रहा है, तो मैं जाती हूँ पहले उसे थोड़ा फीड करा लेती हूँ ताकि वो थोड़ा और सो सके, और उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे. हो गया है इवनिंग और ये फेरी लाइट्स लगा है मेरे घर पे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. या तो ये लाइट्स लग गए हैं, ये एक्चुअली कल रात को ही रंजन ने लगाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पिंक पिंक सा लाइट, स्पेशली नाइट के टाइम में जब इसे ऑन करूँ तो बहुत ही अच्छा लुक आता है. तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के यहाँ, आज उसकी बर्थडे है एंड दिस इज़ द गिफ्ट. बच्चों को लेके नहीं जा रही हूँ बिकॉज़ वो लोग दोनों सो रहे हैं, तो ये सोसाइटी में ही है, ऊपर ही है, तो मैं जाके अभी आ जाऊँगी उनको विश करके. तो यस, आई एम गोइंग फॉर द बर्थडे.
वैसे वो मेरे ही सोसाइटी में रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, तो इसीलिए मैं बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। अगर वो लोग उठ जाते हैं अचानक से और अगर मुझे घर से कॉल भी आता है पैकेज आता है, तो मैं फटाफट से जा सकूँगी उनके पास। सो नॉट अ बिग डील, वरना देखने के पता नहीं कि कॉरिडोर का लाइट्स भी ऑन नहीं किया गया है, एक्चुअली इट्स डार्क। सो मिलती हूँ मैं आप सबसे बाद में। चीकू यहाँ है जो कि सो के उठ गई और मैं वापस आ गई। तो चीकू के लिए मैंने बनाया है कुछ मैगी। ये क्या कर रही हो तुम? सो अभी मेरे फ्रेंड्स आए थे मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली यहाँ मतलब जो हमारा फाइनल डे होता है दसवीं को, उस दिन ये लोग कुछ पूजा रखते हैं घर पे, तो उसके लिए मुझे इनवाइट करने आए थे। तो उनका ये कल्चर होता है कि वो जब भी किसी को इनवाइट करने आएंगे तो ऐसे सिंदूर और टीका लगाते हैं और इनवाइट करके जाते हैं। सो मेरे फ्रेंड्स आके गए संडे के लिए, तो मैं वहाँ जाऊँगी संडे को। एंड कल हमारा व्रत है तो उसकी भी तैयारी करनी है। आज मुझे जैसे सारे कपड़े वगैरह मैं अरेंज करके रख दूँगी। मैं सुबह मंदिर जाने का भी सोच रही हूँ, अकेले जाऊँगी तो देखते हैं अगर हो पाता है तो। एंड आज का इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी एंड कल मिलती हूँ आप सबसे एक और ब्लॉग के साथ गाइस। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ हेल्प मी ग्रो द लाइक्स। सो या बाय बाय।